नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम यानी कि बड़ी हस्ती में। जी हाँ, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिसके बारे में आपने शायद मीडिया में या फिर पेपर की सुर्खियों में, अखबार की सुर्खियों में कम ही सुना होगा। दरअसल बात आज हो रही है रेवती सूले की। रेवती सूले यानी कि पवार खानदान की बेटी। जिस तरीके से आज यहाँ पर अगर बात करें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी चीफ शरद पवार पर आज सभी की निगाहें, जिस तरह से शरद पवार के इस्तीफे ने हर किसी को हैरान कर दिया, तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश कर ली। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी तक ने सुप्रिया सूले को फोन करके शरद पवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। आखिरकार शरद पवार के इस्तीफे के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाएगी। यूं तो कई नाम सामने आ रही हैं, खुद यहां पर नाम आ चुका है सुप्रिया सूले का भी, क्योंकि आपको बता दें कि शरद पवार के बाद सुप्रिया सूले पर हर किसी की निगाहें हैं, यहां तक कि उन्हें ही अब एनसीपी का नया कर्ता धरता भी माना जा रहा है कि एनसीपी की भागदौर सुप्रिया सूले के हाथों में आ सकती है। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले की। आखिरकार कौन है रेवती सूले, कैसी जिंदगी जीती है रेवती सूले, और आखिरकार इन तमाम हलचलों के बीच, इन तमाम राजनीतिक सरगर्मी के बीच आखिरकार सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले कहाँ है, क्यों वो आखिरकार अखबारों की सुर्खियों से बचती हुई नजर आती है, क्या है वजह, क्यों सुप्रिया सूले ने अपनी बेटी को राजनीति से दूर रखा हुआ है। यूं तो खुद सुप्रिया सूले राजनीति में अपना एक अलग महत्व रखती हैं, लेकिन आखिरकार उनकी बेटी रेवती सूले को लेकर आज तक कोई कुछ खास जानकारी सामने क्यों नहीं आई, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी बात पर खुलासा करने वाले हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद जब एक नए अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सूले को अगर चुना गया या अगर नहीं चुना गया, तो आखिरकार इसके बाद एनसीपी पार्टी किस तरह से काम करेगी। जो वर्चस्व अभी तक एनसीपी का राजनीति में है, क्या वो शरद पवार के जाने के बाद भी रह पाएगा। अगर शरद पवार की पार्टी एनसीपी को सुप्रिया सूले संभालती है, तो आखिरकार इसके बाद इस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सूले। जी हाँ, इस वक्त सुप्रिया सूले पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या एनसीपी की कमान सुप्रिया सूले के हाथों में आ सकती है। और ऐसे में आज के इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उन तमाम मुद्दों की जो शरद पवार के इस्तीफे के बाद राजनीति में अहम रोल रखते हुए दिखाई देंगे। जाना ये भी जरूरी है सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले से जुड़े कुछ ऐसे खास बातों के बारे में जानना जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी। जी हां, आपको बता दें कि रेवती सूले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नाम की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है। जी हां, वो सांसद सुप्रिया सूले की बेटी के नाम से जानी जाती है। यहां पर अगर बात करें रेवती सूले की, तो आपको बता दें रेवती सूले का पूरा नाम रेवती बालचंद्र सूले है। सुप्रिया सूले की बेटी होने के नाते रेवती बालचंद्र सूले काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई रहती है। रेवती सूले का जन्म 30 अक्टूबर 1998 को बारामती में हुआ। जी हां, आपको बता दें कि वे साल 2022 में 24 साल की हो चुकी हैं। वहीं पर यहां पर अगर बात करें रेवती सूले की, तो आपको बता दें कि रेवती सूले को गाना गाने का और डांस करने का काफी ज्यादा शौक है। अगर यहां पर बात करें रेवती सूले की, तो आपको बता दें कि रेवती सूले को लेकर काफी ज्यादा अखबारों की सुर्खियों में कभी भी कुछ देखने को मिलता है। रेवती सूले की अगर बात करें, तो इस वक्त रेवती सूले ने शादी नहीं की है, लेकिन रेवती सूले का नाम उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे के साथ कई बार जोड़ा जा चुका है। जानकारी तो ये भी सामने आई कि रेवती सूले और आदित्य ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक दूसरे को काफी ज्यादा
पसंद करते थे। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि अगर बात करें यहां पर सोशल मीडिया की, तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। रेवती सूले के पिता की अगर बात करें तो उनका नाम सदानंद बालचंद्र सूले है। उनकी माता का नाम सुप्रिया सूले है, जो एक सांसद भी है। बात करें रेवती सूले के भाई की, तो बता दें कि रेवती सूले के भाई विजय सूले, उन्हें लेकर भी काफी कम ही सोशल मीडिया पर जानकारी सामने आती है। रेवती सूले की अगर बात करें तो आपको बता दें कि वो द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हैं। जी हाँ, वो अपना ग्रेजुएशन लंदन से करके आई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि रेवती सूले को लेकर के आखिरकार अब क्या कुछ यहाँ पर और चीज देखने को मिल रही है। जो आपको बता दें कि कई बार रेवती सूले के बॉयफ्रेंड के तौर पर महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का कई बार नाम सामने आ चुका है। हालांकि राजनीतिक फायदे के चलते कभी भी ना तो कभी आदित्य ठाकरे और ना ही सुप्रिया सूले ने खुलकर अपने रिश्ते पर किसी भी तरह की कोई बात की है। अब ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार आज रेवती सूले के बारे में चर्चा क्यों की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही अपने इस्तीफे का ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा था कि अगर शरद पवार अपना इस्तीफा दे देते हैं तो आखिरकार फिर एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाएगी। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राजनीति में कई ऐसी पार्टियों में ये नामी पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद सुप्रिया सूले का नाम सबसे पहले आ रहा था। यूं तो माना जा रहा था कि शरद पवार खुद एनसीपी की कमान सुप्रिया सूले के हाथों में दे देंगे। हालांकि इस वक्त एक बैठक के बाद सुप्रिया सूले और साथ ही यहां पर तमाम एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने उनके इस्तीफे के फैसले को इस वक्त रोक दिया है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में समिति की एक बैठक हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर किया जाता है। लेकिन अभी भी हर किसी के मन में सवाल यही उठ रहा है कि क्या शरद पवार इस फैसले पर अपनी सहमति देते हुए नजर आएंगे या फिर वो अपने पुराने फैसले पर ही अड़े रहेंगे। और अगर शरद पवार अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो आखिरकार एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है एनसीपी पार्टी में। शरद पवार के इस्तीफे से क्या कुछ अब नया मोड़ लेने वाली है ये पार्टी, और आखिरकार अब शरद पवार अपनी पार्टी की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे। क्या सुप्रिया सूले अब इस धरोहर को संभालती हुई नजर आएंगी, जो भरोसा पार्टी के कई कार्यकर्ता और साथ ही शरद पवार सुप्रिया सूले पर जताते हुए दिखाई दे रही हैं, दिखाते हुए नजर आ रही हैं, क्या उस भरोसे पर खरी उतर पाएंगी सुप्रिया सूले। इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।